सब्सक्राइब करें इस नॉलेज फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियो अपलोड हो जाए। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना जियो का रिचार्ज, अगर आपका ख़त्म हो जाता है या फिर आपने जियो का रिचार्ज अभी तक कराया ही नहीं है, तो आप लोग कैसे उसको बिना उस रिचार्ज कराए, या फिर अगर आपका जियो का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है उस पर कैसे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी फुल स्पीड में विदाउट आपको लोग जो प्रॉब्लम आती है, वो जो जियो के इंटरनेट में आती है वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आप इस मेथड को पूरा का पूरा फॉलो कीजिएगा एंड से शुरू तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं आप। मैं अपना वाईफाई ऑफ़ कर देता हूँ और अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास, अभी मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। मैं आपको एक पेज ओपन करके दिखाता हूँ, जिस पर मैं एक नेक्स्ट पेज ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक, इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट पेज को, और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं इस पेज को ओपन करके दिखाता हूँ और आप लोगों को प्रूफ मिल जाएगा कि ये पेज लोड नहीं हो रहा है और इसमें इंटरनेट नहीं है। आप मेरी स्पीड को भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्पीड बहुत कम आ रही, BS में स्पीड आ रही है 1 KBPS, जो कि रिचार्ज ख़त्म होने के बाद कभी कभी आ जाती है थोड़ी बहुत स्पीड। लेकिन आप कैसे उसको इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग इस वीडियो में, ये भी ऐसा तरीका है कि जिससे आप लोग यूट्यूब भी देख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है वेब टर्नल, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन है वेब टर्नल, और आप इसको ओपन करना है सिंपली, और यहाँ पे मेरे मेथड को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने ये सेटिंग में गड़बड़ी करी तो आप लोग यहाँ पर इसके प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्री सर्वर, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस सर्वर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ सर्वर आप कोई सा भी एक सर्वर सेलेक्ट कर ले, कोई सा भी एक फ्री सर्वर सेलेक्ट कर लें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, ये इसमें कोई बात नहीं है, आप लोग कोई सा भी एक सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी एक सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आती है बात, यहाँ पर आपको यहाँ पर 80x80 दिखाई देगा, वही रहने देना है। उसके बाद आना आपको यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, आपको डालना है jio.com। डालने के बाद आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पे पोर्ट में आपको 80 डालना है। पोर्ट में 80 डालने के बाद आप लोगों को इसके नीचे आना है, यहाँ पर आपको SSL कर देना है। इस पर क्लिक करके SSL करने के बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, और आपको वेट करना है थोड़ा सा फ्यू सेकंड्स के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे थोड़ी देर में मेरा नेट कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा नेट कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को उसी पेज में लेके चलता हूँ जो कि लोड नहीं हो रहा था, वो अभी लोड होने लग जाएगा। ये मैं पेज ले आ गया इस पेज में। अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद ये पेज लोड होता है या नहीं होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पेज लोड हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज लोड हो चुका है, और यहाँ पे पेजेस हमारी फेसबुक लॉगिन थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एक और भी प्रूफ दिखा देता हूँ। आप प्ले स्टोर में चलते हैं और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ, कोई सी भी एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, उसको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ, क्रिएटर मैनेजर, तो छोड़ देते हैं। मैं आपको यूट्यूब चला कर दिखा देता हूँ। यूट्यूब पर आप चलते हैं अभी हम लोग, और यूट्यूब पर चलते हैं, यूट्यूब ऑन कर लेते हैं, वहाँ से कोई भी एक वीडियो लगा लेते हैं, और मैं अपनी ही वीडियो लगा लेता हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यूट्यूब की वीडियो भी इस पर चलती है, वर्क करती है। तो अभी ये फ़िलहाल थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, आप देख सकते हैं कि स्पीड आ रही है। अभी मैं अपने कमरे के अंदर हूँ तो ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही है, अभी छत पर जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा चलता है। वैसे ही मेरा कमरा नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर है, इसलिए तो मैं एक वीडियो लगा लेता हूँ कोई सी भी, और आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप यूट्यूब इस पर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, आप लोग इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 20 MB यूज़ कर लिया इतनी देर में, तो ये विदाउट एनी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी चल रहा है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर लीजिए, जल्द से जल्द आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए, क्योंकि बाद में पता नहीं ये चले या ना चले,
तो अभी आप इस ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए, हमारे आपके साथ बने रहिए।